वर्ल्ड वॉर टू के समय जर्मनी और हिटलर दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उस दौरान जर्मनी हिटलर की बनाई आर्मी, जिसे हम लोग नाजी आर्मी कहते हैं, उनके कब्जे में थे और वो ही पूरा जर्मनी को चलाता था, पूरा जर्मनी को चलाता था। तो उस दौरान हिटलर की आर्मी मतलब नाजी आर्मी ने कई सारे एक्सपेरिमेंट लोगों पर किए, जैसे कि आजकल जो भी हम लोग बीमारी देखते हैं उस बीमारी का एक्सपेरिमेंट पहले हम लोग जानवरों पर करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है उसका भी एक्सपेरिमेंट अभी चूहे पर कर रहा है, फिर जाके हम लोग इंसानों पर करते हैं। लेकिन उस समय तो डायरेक्टली इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते थे और मतलब इतना खूंखार तरीके से एक्सपेरिमेंट करते थे, तो इतना भयानक तरीके से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जिसे नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि बूढ़े बच्चे औरत सब पर किया जाता था, विकलांग व्यक्ति सब पर किया जाता था। जर्मनी में रहे प्रिजनर ऑफ वॉर उनको पकड़ पकड़ के एक्सपेरिमेंट की जाती थी, उनको फिर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट की जाती थी, सब पर। वो एक्सपेरिमेंट इतना दर्दनाक होता था, इतना भयानक होता था, इतना क्रूर तरीके से एक्सपेरिमेंट की जाती थी लोगों पर, जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट है ट्विंस एक्सपेरिमेंट, मतलब जो जुड़े बच्चे होते थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाते थे। उनको क्या करता था, दो जुड़े बच्चे को लाता था, एक रूम में रखता था, फिर एक जुड़े बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करता था, एक जुड़े बच्चे पर टॉर्चर करता था उस बच्चों को, और उस बच्चों पर उसके शरीर में कई सारे इंजाइम घुसा देता था, कई सारे हार्मोन घुसा देता था, कई सारे सॉल्यूशन, कई सारे केमिकल्स इंजेक्ट कर दिया जाता था, फिर देखते थे कि दूसरे बच्चे पर कोई इन्फेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट चलता था। उस पहले बच्चों में आँखों पर इंजेक्शन दिया जाता था, आँखों में कलर चेंज किया जाता था, इस तरीके से कई सारे आँखों में कलर चेंज का मतलब डायरेक्टली कलर ही डाल दिया जाता था आँखों में इंजेक्शन के थ्रू, और देखते थे कि कलर चेंज होता है कि नहीं, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट होता था बच्चों पर। और तो बच्चों पर बिना मतलब कोई भी बेहोशी की इंजेक्शन दिए एक एक से दूसरे पर खून ट्रांसमिट करता था, एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर खून लिया, खून एक से दूसरे पर दिया जाता था बिना मतलब कोई भी दवा ववा दिलाए, मतलब इतना मतलब दर्दनाक होता था, बच्चे चीख रहे होते थे फिर भी एक्सपेरिमेंट कर ही रहते, लोग भीख मांगते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, मौत की भीख मांगते थे, मौत की भैया, फिर भी उनको मौत नहीं दी जाती थी, उन पर एक्सपेरिमेंट की जाती थी बस। जिनमें बोन जो हड्डियाँ होती थी, हड्डियाँ मसल्स नर्व, या नर्व तो शरीर से चीर करके नर्व जिंदा जिंदा, जब इंसान जिंदा रहता है नर्व उखाड़ दिया जाता था शरीर से, जिंदा जिंदा नर्व उखाड़ दिया जाता था शरीर से, हड्डियाँ उखाड़ दी जाती थी शरीर से, इस तरह की एक्सपेरिमेंट होती थी। फिर फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट होता था, जिसमें बर्फ़ के अंदर लोगों को रखा जाता था, -60 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ़ के अंदर लोगों को रख दिया जाता था, घंटों रख दिया जाते थे और देखते थे लोग कैसे मरते हैं, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होता था, लोग की मरने की दृश्य देखते थे लोग, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट चलता था। नंगा करके बर्फ़ में डाल दिया जाता था लोगों को, घंटों रख दिया जाता था वहाँ पर, लोग तड़पते रहते थे, और जो उनमें से बच जाता था उन पर फिर से एक्सपेरिमेंट किया जाता था भैया, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं है बचने का। और उनमें से एक फेमस एक्सपेरिमेंट है मलेरिया एक्सपेरिमेंट, जिनमें जो मलेरिया के पेशेंट्स होते थे उनके खून उठा करके इंजेक्शन में उठा करके दूसरे के अंदर डाल दिया जाता था और देखता था, फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता था, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते थे। मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट, जिसमें मस्टर्ड गैस जो एक पॉइजनस गैस होता था, और उस गैस के चैम्बर में लोगों को डाल दिया जाता था और गैस दे दिया जाता था, जिसमें उस गैस के द्वारा स्किन जल जाती थी लोगों की, स्किन जल जाती थी बुरी तरीके से जल जाती थी, लोग चिल्लाते थे, चीखते थे, लेकिन उस चैम्बर को खोला नहीं जाता था, एक घंटा दो घंटा इस तरीके से गैस डाला जाता था लोगों के ऊपर, और फिर खोल के देखता था कि कितने जिंदा बचे हैं, और जो जिंदा बचे हैं उनमें फिर से एक्सपेरिमेंट की जाती थी अलग अलग तरीके की। और इसमें तो लोगों की जो विकलांग लोग हैं उनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की जाती थी, क्योंकि विकलांग लोगों को तो हिटलर को पसंद ही नहीं था, हिटलर के तो दुश्मन ही थे विकलांग लोग, हिटलर देख ही नहीं सकते थे विकलांग लोगों को, इसलिए उन पर ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट की जाती थी। फिर सी वाटर एक्सपेरिमेंट होता था, जो समुद्र के पानी होते हैं उसमें सॉल्ट की सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाई जाती है समुद्र के पानी में,
और वही पानी लोगों को पिलाया जाता था, पीने पर मजबूर किया जाता था, खाना नहीं देते थे 3-4 दिन लोगों को, और फिर सिर्फ पानी पीने, जो समुद्र का पानी है वही पीने के लिए देते थे। और जब लोग 3-4 दिन भूखे लोग उस पानी को पीते थे, और फिर पीने के बाद वो लोग जमीन चाटते थे कि कहीं से तो प्योर वाटर दे दे उनको, कहीं से तो प्योर वाटर मिल जाए, वो लोग जमीन चाटने लगते थे। कितना अजीब दृश्य था उस, कितना अजीब दृश्य रहा होगा उस समय। मतलब जो लोग आज भी उस हालात से ज़िंदा वापस आए उस वक्त से, उनके इंटरव्यू आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है, कितने एक भयानक और दर्दनाक समय से वो लोग गुजरे वो देख लीजिएगा। और एक्सपेरिमेंट होता था जिसके कारण, कई सारे एक्सपेरिमेंट जैसे कि हड्डियाँ खोल देना, हड्डियाँ तोड़ देना, लोगों के आँख ट्रांसपेरेंट कर देना, एक बच्चे की आँख को उठा करके दूसरे बच्चे में डाल देना, इस तरीके के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट होते थे। लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, फिर भी उनको कोई नहीं सुनता था। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट एक काला अध्याय इतिहास के जर्मनी में हुआ था, जर्मनी की आर्मी के द्वारा की जाती थी, जर्मनी की आर्मी तो नहीं, मतलब हिटलर की आर्मी,